हेलो दोस्तों, ये है लेसन नंबर 18, बूटस्ट्रैप इन हिंदी। और इस लेसन में हम सीखेंगे कि कार कैसे बनाया जाता है बूटस्ट्रैप का यूज़ करके। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले तो कार क्या होता है। तो कार जो है वो बेसिकली इसके अंदर तीन चीज़ें होती है। एक हेडर होता है, एक कार का बॉडी, और उसके नीचे होता है फुटर। ओके, तो हेडर, बॉडी एंड उसके नीचे फुटर होता है, और उसमें आप टेक्स्ट, इमेज, बटन जो भी रखना चाहो वो रख सकते हो। ठीक है, कार के अंदर आप इमेज भी प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब कि जो भी आप कार्ड देखते हैं, विजिटिंग कार्ड हो, डॉक्टर का हो या कोई प्रोफेसर का हो, विजिटिंग कार्ड जिसमें फोटो होता है, हेडर होता है, फुटर होता है, ठीक है, तो उस तरीके का आई कार्ड जैसा कार्ड, ओके, विजिटिंग कार्ड या फिर आई कार्ड आपको बनाना हो तो आप इजीली इसमें बना सकते हो। ठीक है, अपनी वेबसाइट में आप प्रोफाइल डिस्प्ले करना चाहते हो, कॉलेज की फैकल्टी का हो या स्कूल के स्टाफ का हो, प्रोफाइल डिस्प्ले करने के लिए जनरली ये कार्ड यूज़ होता है। दोस्तों प्रोफाइल में क्या होता है, प्रोफाइल में फैकल्टी का फोटो होता है और नीचे लिखा हुआ होता है कौन से डिपार्टमेंट में फैकल्टी है, एक्सपीरियंस कौन सा है, ओके, उसने क्या पढ़ाई की हुई है, तो ये सब चीज़ें लिखी होती है। ओके, तो इस तरीके का कार्ड आप बना सकते हो। तो कार्ड के अंदर तीन चीज़ें होती है, हेडर, बॉडी और फुटर, और आप इसमें इमेज, बटन, टेक्स्ट कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए कार्ड बनाना हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा डिवीजन टैग। ओके, डिवीजन एंड स्लैश डिवीजन, ओके, कार्ड के लिए। और यहाँ पर लिखो आप क्लास इक्वल टू करके सिंपल कार्ड। ठीक है, तो ये दोस्तों कार्ड बन गया हमारा। ओके, एकदम इजी है कार्ड, सिर्फ आपको क्लास का नाम यहाँ पर लिखना है। ओके, और यदि आप उसकी विड्थ देना चाहो तो भी दे सकते हो यूजिंग स्टाइल टैग, स्टाइल विड्थ कॉलन, एंड मैं लिखता हूँ यहाँ पर 400 पिक्सल। ठीक है, आप परसेंटेज में भी दे सकते हो, 30%, 40%, ऐसा करके। ओके, तो सबसे पहले क्या किया हमने, ऊपर कंटेनर लिया है, ओके, डिवीजन कंटेनर, और उसका एंड यहाँ पर होता है। ठीक है, और ये डिवीजन जो है वो कार्ड के लिए है, क्लास इक्वल टू कार्ड विड्थ 400 पिक्सल। और उसके अंदर, कार्ड के अंदर मैंने बताया था कि तीन चीज़ें होती है, कार्ड हेडर, कार्ड बॉडी एंड कार्ड फुटर। तो हम तीन डिवीजन टैग बनाएंगे इसमें। ठीक है, डिवीजन स्लैश डिवीजन, ये डिवीजन है पहला, वो हेडर के लिए, ये बॉडी के लिए होगा, और ये डिवीजन होगा हमारा फुटर के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लास इक्वल टू करके, ओके, कार्ड डैश हेडर। ओके, तो ये हेडर बन गया। यहाँ पर लिखूँगा क्लास इक्वल टू कार्ड डैश बॉडी, तो ये कार्ड की बॉडी पार्ट बन जाएगा। क्लास इक्वल टू कार्ड डैश फुटर, तो ये कार्ड का फुटर पार्ट बन जाएगा। ओके, तो ये हमारा बन गया कार्ड, और उसके अंदर कार्ड हेडर, बॉडी एंड फुटर। आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट रख सकते हो डिवीजन के बीच में। ओके, आप यहाँ पर जो टेक्स्ट रखोगे वो हेडर में आएगी, यहाँ पर टेक्स्ट रखोगे वो बॉडी पार्ट में आएगी, और यहाँ पर जो भी कोडिंग होगा वो कहाँ पर आएगा, फुटर पार्ट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा हेडर अभी के लिए, बॉडी एंड फुटर। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सिंपल सा कार्ड बनाया। ओके, अब इसको मैंने सेव कर दिया है lesson18.html से, तो इसको रन करके आप देखते हैं। ओके, ओपन विथ गूगल क्रोम। ये देखिए, ये सिंपल सा कार्ड बन गया, यहाँ पर हेडर आ गया, यहाँ पर बॉडी, और यहाँ पर आ गया फुटर। ठीक है, आप बैकग्राउंड कलर या फिर टेक्स्ट का कलर भी दे सकते हो। ठीक है, तो हम वो करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर देने के लिए
आप यहाँ पर सिंपल लिखे बीजी डैश सक्सेस, ओके। बीजी यानी कि बैकग्राउंड, सक्सेस, वार्निंग, इन्फो, ये सब बैकग्राउंड कलर है जो कि बूस्ट टैब आपको प्रोवाइड करता है, ओके। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट डैश वाइट, ओके। तो टेक्स्ट कलर क्या आएगा, वाइट आ जाएगा अंदर, ओके। अब मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ, ये देखिए ये जो बैकग्राउंड कलर है वो सक्सेस वाला कलर आ गया, और इसका जो हेडर बॉडी फुटर टेक्स है वो वाइट कलर में आ गई, ठीक है। तो दोस्तों ये इसके अंदर क्या होगा कि ये जो बॉडी वाला पार्ट है वो स्लाइटली थोड़ा कलर जो है वो हल्का सा कलर रहेगा, और ये जो कलर है वो थोड़ा सा इसका हेडर और फुटर का कलर थोड़ा सा चेंज होगा, डार्क कलर होगा, ठीक है। तो ये देखिए आप हल्का सा लाइट ग्रीन है, ऊपर नीचे हेडर फुटर में थोड़ा सा डार्क ग्रीन है, ओके। तो इस तरीके का फॉर्मेट ऑटोमेटिक आ जाएगा कार्ड के अंदर, ओके। अब हम कुछ चीज़ें ऐड करके देखते हैं कार्ड में, बराबर। यहाँ पर देखिए हम एक इमेज ले लेते हैं सबसे पहले, ये हमारी इमेज है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, ओके। ए डॉट जे पी जी इमेज है, और उस इमेज को मैं कार्ड में डिस्प्ले करना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे आई एम जी टैग, ओके, और यहाँ पर लिखेंगे क्लास इक्वल टू। दोस्तों इमेज डिस्प्ले करने के लिए बूस्ट टैब के अंदर एक स्पेशल क्लास है, उसको बोला जाता है क्लास कार्ड डैश आई एम जी डैश टॉप, ठीक है। तो क्लास आई एम जी टॉप, कार्ड डैश आई एम जी डैश टॉप क्लास ये इमेज को सेट करेगा क्लास के अंदर, ठीक है। जो भी विड्थ और हाइट उसको उसको प्रोवाइड करनी है वो ऑटोमेटिक ये कर देगा, ठीक है। और हमें इमेज का नाम यहाँ पर देना होगा src करके ए डॉट जे पी जी, ठीक है। और अल्टरनेट टैग्स यानी कि यदि इमेज डिस्प्ले नहीं होती है तो उसकी जगह पर कौन सा मैसेज आएगा, तो ये हम सिंपल एरर यहाँ पर लिख देते हैं, ओके। तो ये देखिए ये इतना सा कोड कार्ड के अंदर लिखने से क्या होगा, इमेज डिस्प्ले होगी कार्ड के टॉप पर, ठीक है। अब देखते हैं इसको रिफ्रेश करके, ये देखिए, ओके। तो इस तरीके से इमेज डिस्प्ले होगी कार्ड के अंदर। यहाँ पर आपका फोटो भी आप रख सकते हो, ओके। तो इस तरीके से आप इमेज डिस्प्ले करवा सकते हो। इमेज का कोड मैं यहाँ से हटाकर यहाँ पर रख देता हूँ, तो देखिए क्या होता है, हेडर और बॉडी के बीच में मैंने इमेज रखी, ओके। ये देखिए तो ये हेडर है और ये इमेज, ओके, ये बॉडी टैग। तो यहाँ पर हेडर के अंदर आप लिख सकते हो अपना नाम, यहाँ पर आपका अपना फोटो रख सकते हो, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन होगा, ओके, आपका पढ़ाई कौन सी की आपने वो यहाँ पर रख सकते हो, और यहाँ पर एक्सपीरियंस आपका रख सकते हो, ठीक है। स्टिचिंग स्किल्स भी आप यहाँ पर रख सकते हो फुटर के अंदर। तो ये सब चीज़ें आप रख सकते हो कार्ड के अंदर, ठीक है। अब और एक चीज़ है कार्ड में इसके अलावा, कि कार्ड का टाइटल, कार्ड का टेक्स, और कार्ड में आप लिंक भी रख सकते हो, ठीक है। ये जो कार्ड बॉडी है उसके अंदर ये जो मैंने बॉडी लिखा है उसकी जगह पर आप पैराग्राफ टैग का यूज़ करके कार्ड लिंक भी रख सकते हो, कार्ड टाइटल, ओके। यहाँ पर सिर्फ आपको लिखना होगा क्लास इक्वल टू कार्ड डैश टाइटल, ओके। और मैं यहाँ पर लिखूँगा कार्ड टाइटल ताकि आपको पता चले, और यहाँ पर मैं दूसरा पैराग्राफ टैग लूँगा क्लास इक्वल टू कार्ड डैश टेक्स, ओके, और इसको मैं नाम दूंगा कार्ड टेक्स, ओके। तो दोस्तों ये कार्ड टाइटल, कार्ड टेक्स, ये सभी कार्ड के क्लासेस है जो बूस्ट टैब प्रोवाइड करता है,
उसकी जो भी फॉर्मेटिंग होगी वो ऑटोमेटिक ये सेट कर देगा कार्ड के अंदर, ठीक है। और मैं एक हाइपर लिंक भी रखना चाहूँगा, एच आर ई एफ इक्वल टू हैज़ एंड क्लास इक्वल टू कार्ड डैश लिंक, ओके। तो कार्ड डैश लिंक लिखने से जो ये हाइपर लिंक जनरेट करेगा और उसका जो भी फॉर्मेट होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर मैं सिर्फ लिखूँगा कार्ड एंड लिंक, ओके। तो दोस्तों ये हमने बनाया है कार्ड, और उसमें सबसे पहले हमने बनाया था कार्ड हेडर, उसके बाद हमने इमेज रखी, ठीक है, कार्ड डैश आई एम टी डैश टॉप, और डिवीजन क्लास इक्वल टू कार्ड बॉडी, ओके। और बॉडी पार्ट के अंदर हमने तीन चीज़ें रखी है, कार्ड टाइटल, कार्ड टेक्स्ट और कार्ड लिंक, ओके। तो इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखिए कार्ड टाइटल जो कि यहाँ पर आएगा, कार्ड टैक्स यहाँ पर कोई भी टैक्स रख सकते हो आप, और ये कार्ड का लिंक है, ओके। तो इस तरीके से आप टैक्स ऐड करवा सकते हो अपने जो भी टैक्स है वो, ठीक है। अब फुटर की ओर चलते हैं, तो फुटर में आप बटन भी रख सकते हो, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मैं बटन क्रिएट करता हूँ, ओके, बटन एंड स्लैश बटन, ठीक है। तो सिंपल सा बटन मैंने बना दिया, और यहाँ पर लिखना चाहूँगा मैं टाइप इक्वल टू बटन, ठीक है। आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि जब भी आप क्लास प्रोवाइड करोगे तो ऑटोमेटिक ये ले लेगा, क्लास इक्वल टू बी टी एन एंड बी टी एन डैश प्राइमरी। तो बी टी एन डैश प्राइमरी क्या है, वो बैकग्राउंड कलर अलोकेट करता है, ठीक है, बी टी एन डैश प्राइमरी। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबमिट, कोई भी टैक्स बटन के ऊपर जो डिस्प्ले होगी वो, ठीक है। तो कार्ड के फुटर में आप कोई भी टैक्स रख सकते हो, या इस तरीके का बटन भी डिस्प्ले करवा सकते हो। इसको रिफ्रेश करूँगा मैं, ये देखिए, ओके, तो ये बटन आ गया कार्ड के फुटर में। यहाँ पर मैंने सबमिट अभी ऐसे लिख दिया है, आप कोई भी लिख सकते हो, गो टू माय वेबसाइट या ऐसा कुछ, ओके। क्लिक हियर टू गो टू माय ब्लॉग, क्लिक हियर टू गो टू माय यूट्यूब चैनल, ऐसी कोई भी लिंक आप कार्ड में रख सकते हो, ओके। और अब देखिए ये बटन जो है उस पर आप क्लिक कर सकते हो, पर कार्ड पर क्लिक नहीं कर सकते अभी। तो पूरे का पूरा कार्ड यदि आपको क्लिकेबल बनाना है, ओके, तो भी आप बना सकते हो। तो वो कैसे बनाएंगे, तो बूटस्ट्रैप के अंदर एक क्लास है स्ट्रेच डैश लिंक नाम का क्लास, ये मैंने बटन बनाया है और उसके अंदर लिख दिया स्ट्रेच डैश लिंक। तो उससे क्या होगा कि पूरा का पूरा कार्ड जो है वो क्लिकेबल बन जाएगा, बटन का कार्ड का जो बटन क्लिक का एरिया जो है वो पूरे कार्ड में फैल जाएगा। ये देखिए अब मैं कार्ड पे कहीं भी क्लिक करूँगा तो वो बटन में जो भी कोड लिखा है वो कोड अप्लाई हो जाएगा, ओके। ये देखिए पूरा का पूरा कार्ड क्लिकेबल कार्ड हो गया। तो इस तरीके से आप कार्ड इजीली बना सकते हो, ठीक है। ये कार्ड का हेडर, ये कार्ड का इमेज, ये कार्ड का बॉडी और ये कार्ड का फुटर, ठीक है। और बटन के साथ आप कोई टेक्स्ट रखना चाहो तो भी रख सकते हो, ठीक है। ये पैराग्राफ और स्लैश पैराग्राफ, मैं सिंपल लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ओके। तो फुटर में वो हेलो वर्ल्ड भी आ जाएगा, ये देखिए हेलो वर्ल्ड एंड सबमिट, ठीक है। तो इस तरीके से आप कार्ड बना सकते हो, ओके। तो दोस्तों चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि कार्ड कैसे हमने बनाया, ओके। सबसे पहले आपको लिखना है डिवीजन एंड क्लास इक्वल टू कार्ड, और बैकग्राउंड कलर देने के लिए बिजी डैश सक्सेस या कुछ भी लिख सकते हो। टेक्स्ट वाइट, यानी कि वाइट कलर आएगा टेक्स्ट का, उसकी विड्थ हमें अलोकेट कर दी, ओके। और कार्ड के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, एक कार्ड हेडर, कार्ड बॉडी एंड कार्ड
फुटर, ठीक है। तो ये तीन क्लास आप यहाँ पर लिख दें, और कार में इमेज देने के लिए आप यहाँ पर लिख दें img क्लास इक्वल टू कार डैश इमेज डैश टॉप, ओके। और ये इमेज को आप, ये इमेज का कोड जहाँ भी रखेंगे वहाँ पर इमेज डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखिए, मैं इस इमेज को फुटर के नीचे रखता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होता है देखिए, तो कार्ड पूरा हो जाने के बाद फुटर के नीचे इमेज डिस्प्ले होगी, पर जनरली इमेज कहाँ पर होती है, हेडर के बाद होती है कार्ड में, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हो, ओके। और ये पूरा का पूरा कार्ड का कोड है इतना, ये मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ओके। यानी कि मैंने दो कार्ड अभी बना दिए, ओके। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर दूसरा कार्ड आ जाएगा, ओके। कार्ड के नीचे दूसरा कार्ड, ओके। अगर आपको बाजू में कार्ड डिस्प्ले करना है, कार्ड के बाजू में दूसरा, तो भी आप करवा सकते हो, पर उसके लिए आपको डिवीजन टैग के अंदर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी होगी, ओके। तो दोस्तों इस लेसन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।